बात करेंगे दीपिका पादुकोण की, जो कि इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पद्मावती की शूटिंग में बिजी है, जिसमें वो रानी पद्मावती के रोल में नजर आने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी वो अपनी बोलने से हर किसी को हर दिन घायल कर रही है। हाल ही में उन्होंने एक खूबसूरत सा एक नया टाइटल के साथ उन्हें नवाजा गया। अब ये टाइटल कौन सा है, आप ही जान लीजिए इस रिपोर्ट में। दीपिका पादुकोण की खूबसूरती का दीवाना हर कोई है। इनके हुस्न और अदाओं पर हर कोई जान छिड़कता है। इनकी खूबसूरती और बोल्डनेस देखकर इन्हें फिर एक टाइटल दिया गया है इंटरनेशनल मैगजीन मैक्सिम इंडिया में। इस बार दीपिका पादुकोण को मोस्ट हॉटेस्ट वुमन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही वो दुनिया की 100 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शुमार हो गई है। इसके साथ ही हॉटनेस के मामले में दीपिका पादुकोण ने प्रियंका चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया है। वैसे भी कांस फिल्म फेस्टिवल और मैक्सिम मैगजीन में हॉट 100 की लिस्ट में शामिल दीपिका ने मैक्सिम मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाई है। ओवरऑल लिस्ट में दीपिका 10th पोजीशन पर है, जबकि इन दिनों हॉलीवुड में अपना सिक्का जमा रही प्रियंका चोपड़ा को 34वां स्थान हासिल हुआ है। मॉडल हेडली बेडविन ने मैगजीन के इंटरनेशनल इश्यू में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैक्सिम इंडिया के कवर पेज पर दीपिका एक सफेद जैकेट और हाई हील शूज पहने नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी अदाएं देखते ही बन रही हैं। उन्होंने अपने खूबसूरत पैरों को जमकर एक्सपोज किया है। हाल ही में दीपिका मैक्सिम के टॉप 100 क्लब में शामिल हुई थी और भारत में हॉटनेस के मामले में सबसे पहला स्थान हासिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।